देश के किसी भी रेलवे स्टेशन या मूविंग ट्रेन में कोई अपराध होने पर अब आपको FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने आने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने रेलवे की मदद से 4 डिजिट की एक हेल्पलाइन नंबर 1512 जारी की है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी ने हेल्पलाइन नंबर 1512 जारी किया। इसके जरिए लोग चलती ट्रेन से मोबाइल फोन से भी FIR दर्ज करा सकेंगे। मैं सबसे पहला दिल्ली पुलिस को अभिनंदन करता हूँ कि रेल यात्री के लिए 1512 बहुत काम लगेगा और आप सबको भी मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका पूरी तरह से प्रचार भी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में बैठे, कोई बैग चोरी हो गई, कोई लूटपाट हो गई, ट्रेन चली गई तो नहीं उठाता, तो इससे बहुत फायदा होगा। लंबी दूरी की रेल कई राज्यों से होकर गुजरती है और कई बार रेलवे स्टेशन या रेल में हुई घटना की जानकारी यात्री पुलिस को नहीं दे पाते हैं। इस सुविधा के जरिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिकायतकर्ता रेलवे स्टेशन और चलती रेल से घटना की जानकारी और सुझाव हेल्पलाइन नंबर 1512 के द्वारा सीधे रेलवे पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे सकते हैं और बिना रेल यात्रा बाधित किए प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करा सकते हैं। 27 स्टेट्स में 1512 की फैसिलिटी जो है DOT के द्वारा हर स्टेट ने ले ली है और 6 की 6 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें भी इस फैसिलिटी को ले लिया गया है। DOT के ऑफिशियल्स की मदद से जियो फेंसिंग की गई है ताकि जब कोई रेलवे का पैसेंजर अगर उसकी कॉल अगर वो नागपुर से कॉल करता है तो इट विल लैंड इन नागपुर कंट्रोल रूम, सॉरी इन महाराष्ट्र कंट्रोल रूम। अगर वो कहीं वो चेन्नई में से कॉल करता है तो उसकी इट विल लैंड इन चेन्नई कंट्रोल रूम। और इसमें ये भी फैसिलिटी दी गई है कि वो टेलीफोन पे जो लिखवाएगा उस पे FIR हो जाएगी। इसमें सभी रेलवे पुलिस थानों को आदेश होगा कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। पीड़ित को तुरंत थाने आने की जरूरत नहीं होगी। जांच के दौरान जांच अधिकारी को जब महसूस होगा कि पीड़ित को बुलाया जाना चाहिए तभी उसे बुलाया जाएगा। भले ही ट्रेन दिल्ली से बाहर देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना पहुंच जाए, पीड़ित वहीं से ही FIR दर्ज करा सकेंगे। रेलवे स्टेशन और चलती रेलगाड़ियों में ज्यादातर अपराधों में लोग अपनी FIR दर्ज नहीं करा पाते। एक तो उन्हें ट्रेन पकड़ने की जल्दी होती है और कई बार तो उन्हें तब पता चलता है जब वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं कि या तो उनके साथ चोरी हो गई है या उनके साथ कोई वारदात घटी है। ऐसे में 1512 उन लोगों के लिए काफी मदद साबित होगी FIR दर्ज कराने के लिए। कैमरामैन शोभन सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली।